क्या बोलू, पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लग रहा है सलमान खान ज्यादा ही कुछ पतला लग रहा है कैटरीना के सामने, और छोटा भी। बढ़िया, दे लुक गुड टुगेदर। आई हैव मेट सिद्धार्थ वंस, ये इससे मैं एक बार मिला हुआ हूँ थिएटर में, हम मेरे आगे वाली सीट पे बैठा था पिक्चर देखने के लिए। यो गाइज, हम आए हैं राम सेतु देखने के लिए। इग्नोर मेरे बाल क्योंकि मैं अभी जस्ट नहा के निकला हूँ तो पूरे गीले है। भाविक और मौलिक भी है आज मेरे साथ राम सेतु में। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. So guys, हम आए हैं राम सेतु देखने के लिए भाविक और मौलिक के साथ। बड़े दिनों से हम प्लान कर रहे थे पर आज हमें सस्ती टिकट मिली है राम सेतु की। So चलिए, हम तीनों फर्स्ट टाइम आए हैं। हाँ, हम बहुत टाइम से कभी प्लान नहीं कर पाते मूवी साथ में देखने का, तो फाइनली हमको मौका मिल गया है। ठीक है, सब चलिए। वैसे कंतारा देखी नहीं है ना तुम लोगों ने? कंतारा देख ली तूने? तूने देखी नहीं? अरे तो हम कंतारा के लिए जाते हैं, वो भी मस्त है मूवी। ओ माय गॉड, आज तो क्राउड है एकदम बढ़िया वाला। अगर आदि पुरुष, आज मैं वो ताना जी का गाना देख रहा था, शत्रु चले रक्त 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 के, देन आई वाज लाइक बाप रे, विश्वास नहीं हो रहा कि सेम डायरेक्टर ने ये मूवी भी बनाई है। It's time to look at the enemy, look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. हाफ टाइम हो चुका है, राम सेतु देख रहे हैं हम लोग। तो अभी तक तो बहुत बोरिंग लग रही है, मतलब ऐसे मूवी अच्छी है बट बोरिंग लग रही है। और यार कहीं कहीं पर ग्राफिक्स इतने गंदे हैं कि उसकी बात मत पूछो, मतलब मूड खराब हो जाता है। लाइक इतनी अच्छी मूवी जिसका मेन बेसिक ही ग्राफिक्स है, मतलब राम सेतु एकदम खूबसूरत दिखना चाहिए ना, सो उसमें ग्राफिक्स की वजह से वो इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। सो वो एक थोड़ा प्रॉब्लम है, अदर देन दैट अभी तक मूवी अच्छी है। थोड़ा खिंच रही है क्योंकि बोरिंग है, हो रही है। अब सेकंड हाफ होपफुली अच्छा हो, मेरे ख्याल से सेकंड हाफ अच्छा होगा, आई गेस, होप फॉर द बेस्ट। चलिए चलते हैं अंदर। जय श्री राम, जय श्री राम। राम सेतु डन। एंडिंग तो चुम्मेश्वरी एंडिंग था, मतलब दिल खुश कर दिया एंडिंग ने, तो मजा आ गया। अभी हम घर जा रहे हैं, घर जाके बात करते हैं। क्या चाहिए बोल? गुड बॉय सुनो, चलो चल, बाय बाय रजनी।
फाइनली मूवी देख के घर आ गए। अब चलिए अंदर चलते हैं। और गाइज ये मेरे नए शूज है जो आरती मासी लाई थी मेरी मेरे लिए, किशन के हैं मतलब, बट मेरे को परफेक्टली हो जाते हैं। मेरा बच्चा। यो गाइज, सो फाइनली मूवी देख के आ गए। अब मैं आपको बताता हूँ मूवी कैसी थी। तो सबसे पहले तो मूवी वॉज गुड, लाइक रियली गुड। मतलब फर्स्ट हाफ बोरिंग, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। सेकेंड हाफ वॉज गुड, मतलब सेकेंड हाफ में आपको मजा आएगा क्योंकि देन दे स्टार्ट टू एक्सप्लोर एंड ऑल, मतलब सब चीजें बीजें देखने लगते हैं ना, तो सेकेंड हाफ में बहुत मजा आता है। फिर ग्राफिक्स बहुत बकवास, ग्राफिक्स रियली बकवास है, पता नहीं क्यों, पर हमारी इंडियन फिल्म्स में बोले तो जो भी अच्छी मूवी बनाने जाए या कुछ भी हो, ग्राफिक्स नहीं अच्छा बनाते, ग्राफिक्स बहुत बुरा रहता है उनका मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब ग्राफिक्स बहुत बुरा रहता है। बट वो बहुत अच्छा था, क्या बोलते हैं, ये बहुत अच्छा था उस मूवी में। एंडिंग बहुत अच्छा था, एंडिंग वॉज लाइक इतना दिल छू जाने वाला एंडिंग था। और जो एंड क्रेडिट टाइप का बोलते हैं ना, मिड क्रेडिट सीन, वो तो मुआ, जो कि हमको पहले से आशंका हो गई थी कि वो वैसा ही होगा। आप जब मूवी देखने जाएंगे तो आपको पता चलेगा। एक्चुअली देखने लायक मूवी है, जाओ जाके देखो, ठीक है। राम सेतु बढ़िया मूवी है, नॉट बैड, मतलब अक्षय की एक बड़े टाइम के बाद कुछ ढंग की थोड़ी मूवी आई है, मैं ये बोलूंगा। क्या हुआ सोनू? सोनू को लगता है कुछ दिख गया है, तो कब से कूद रहा है। एनीवे, सोनू की हरकतें तो शुरू ही रहती है। मेरे बाल मैंने कोम नहीं किए थे। सो मुझे अभी याद आ रहा है कि आज मैंने आप लोगों को इस व्लॉग में वेलकम नहीं किया। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आपका दिन अच्छा जा रहा हो। आज बाय द वे संडे है। ओह माय गॉड, बहुत गर्मी हो गई थी और मैं ना बाल धो के कंघी किए बिना चला गया था, तो अभी कंघी कर लेते हैं थोड़ा बहुत। आज मैंने नेचुरली अपने बाल को सूखने दिया, बिकॉज बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप नेचुरली बाल को ड्राई होने दें। अच्छे बाल की वो होती है ना, बोलते हैं ना, अच्छे बाल के लिए। सो भैया, और ये बाल बस कॉम हो गए मेरे, मेरे बालों में ज़्यादा टाइम नहीं लगता अब वैसा। और ऑल्सो कितने बाल झड़ते हैं, करीबन 2-5, 1-2-3-4, ना के बराबर बाल, मतलब 3-4-5 बाल झड़ते हैं। आई थिंक ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। अभी गर्मी बहुत हो रही है तो अब हम एसी में जाएंगे, बैठेंगे और कुछ देखते हैं। ये देखिए मेरा कुत्ता कहाँ सोता है। It doesn't like it, बस ऐसे ही सोता है। मेरे पैरों के बीच में सीधा घर में घुस जाने का है। परमिशन किसने दी आपको? हाय हेलो टाटा बाय बाय कुछ भी नहीं। एलेक्सा मास्टर ऑन करो। हाँ बाबू ठीक, क्या हुआ? तुझे सब छोड़ के चले गए थे ना, पता है मुझे। कोई छोड़ के नहीं गया था उसको, ठीक है ना। घर में आई तो हाय हेलो टाटा बाय बाय कुछ नहीं है, बस घर में घुस जाने का। घर किसी का और नहीं है। अबे मेरे ऊपर गिरा है वो मोटू। ए सोनू, ओए मेरा पैर रही ना सोनू। ए बात करो ना ऐसा।